What's up guys, welcome back once again। दोस्तों क्या हो अगर आपको एक अनमोल पत्थर मिल जाए जो आपको हमेशा के लिए अमर कर दे, या फिर आप जिस चीज को छुए वो सोना बन जाए। कहानी शुरू होती है स्कारलेट नाम की लड़की से जो कि इसी पत्थर की तलाश में है, क्योंकि हमेशा से उसे यकीन रहा है कि इराक की गुफाओं में ऐसा कुछ आज भी मौजूद है। इसलिए वो इलीगल तरीके से कबाला नाम के गांव में जाती है जहाँ पे ऐसी कई गुफाएं मौजूद है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ की सरकार उन सारी गुफाओं को खत्म करने वाली है। इसलिए उससे पहले स्कारलेट को ये काम करना पड़ेगा जिसके लिए वो रेजा नाम के आदमी की मदद लेती है, क्योंकि एक गुफा का रास्ता उसके घर से होकर गुजरता है। लेकिन वहाँ उनके सामने कई सारी मुसीबतें आती हैं। सबसे पहला ये है कि बीच में उनके सामना इराकी सैनिकों से होता है जो कि कई जगहों पर बैठे हुए हैं, और दूसरा ये कि उनके पास समय की बहुत कमी है क्योंकि किसी भी समय एयर स्ट्राइक हो सकती है। अगर वो समय से पहले बाहर नहीं निकले तो अंदर मलबे में ही दबकर मारे जाएंगे। अब वो जैसे तैसे अंदर चली जाती है जहाँ उसे चारों ओर सिर्फ अंधेरा मिलता है, लेकिन जब वो अपनी टॉर्च को ऑन करती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उस गुफा की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। उसी में से उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिसके हटाने पे उसे एक बुल की मूर्ति दिखती है जिसे पुराने जमाने में रोज के नाम से पुकारा जाता था। उसके ऊपर बहुत सी चीजें लिखी थी जिसे स्कारलेट पढ़ना शुरू करती है, लेकिन तभी एयर स्ट्राइक होने लगती है तो रेजा उसे छोड़कर वापस बाहर जा जाता है। लेकिन वो वही मौजूद थी और उन सारी चीजों को कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वापस आने लगती है, लेकिन तभी बीच में उसे एक इंसान की लाश लटकी हुई दिखती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। पर ये लाश किसकी है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। अब बहाने पे रेजा स्कारलेट से कहता है कि जो भी प्लामस स्टोन को ढूंढने के लिए इन गुफाओं में जाता है वो हमेशा वहीं मारा जाता है। जो लाश तुम्हें नीचे मिली थी वो तुम्हारे पिताजी की थी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि वो पत्थर को ढूंढ लेंगे और अमर हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए बेहतर है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ और उस स्टोन को अपने ख्याल से अपने जहन से निकाल दो। लेकिन यहाँ स्कारलेट के अंदर एक अलग ही जुनून था, वो कैसे भी करके इस गुत्थी को सुलझा के रहेगी। अब सीन शिफ्ट होके पहुंचता है पेरिस में जहाँ बेंजी नाम के एक और किरदार से रूबरू होते हैं जो स्कारलेट के साथ ही रहता है और इस स्टोन को खोजने की डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहा है। वो उन सारी चीजों को शूट करता है जो स्टोन से रिलेटेड हो सकती है। तो स्कारलेट उसे बताती है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ, ये काम पहले मेरे पिता किया करते थे, उनके जाने के बाद अब मैं उनके काम को अंजाम दे रही हूँ। तब बेंजी उसे पूछता है कि तुम्हें इस प्लामस स्टोन के बारे में क्या जानती हो। वो बताती है कि ये स्टोन बहुत ही खास है जो किसी भी धातु को गोल्ड यानी कि सोने में बदल सकता है, और जिसके पास भी ये स्टोन रहेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा यानी कि अमर। लेकिन आज तक ये किसी के हाथ नहीं आया सिवाय उसके जिसने इसे बनाया था, वो भी तकरीबन 600 साल पहले। अब दोनों पेरिस में बने एक घर में जाते हैं जो असल में निकोलस फ्लेम का हुआ करता था तकरीबन आज से 600 साल पहले, और उन्होंने ये स्टोन बनाया था, फिर उसे एक गुफा में जाकर छुपा दिया जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। अब वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ निकोलस की कब्र पर लगे एक पत्थर मिलता है जिसमें उन्होंने खुद लिखा था कि वो स्टोन कहाँ छुपा है, लेकिन उस भाषा को कोई समझ नहीं पाता। इसलिए स्कारलेट अब अपने एक दोस्त जॉर्ज के पास जाती है जो कि बेहतरीन ट्रांसलेटर है, लेकिन वो ज्यादा किसी लिए काम नहीं करता और खासकर तो स्कारलेट के लिए, क्योंकि पिछले साल उसकी वजह से जॉर्ज ने कई साल टर्की के जेल में बिता दिए। पर वो उसे बताती है कि मुझे रोज मिल गया है। ये सुन के वो हैरानी से कहता है कि क्या तुम इराक गई थी, वहां जाना पता है ना कितना खतरा है। लेकिन स्कारलेट उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे अरबिक भाषा समझनी है, और फिर उसे पूरी कहानी बताती है। तो जॉर्ज हाँ कर देता है, पर वो उसकी मदद सिर्फ ट्रांसलेट करने में कर सकता है। अब वो लोग उसी रात फिर से उसी जगह पर जाते हैं, लेकिन ये लिखावट तो जॉर्ज को भी समझ नहीं आती। तब स्कारलेट कहती है कि शायद इसके पीछे कुछ लिखा हो, क्योंकि उस पर एक तस्वीर बनी थी जिसमें एक आदमी चाबी को पीछे उठाकर चल रहा था। अब जब वो पत्थर को पलटते हैं तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ वो अपना दिमाग लगाती है और उसके ऊपर एक केमिकल डालती है जिससे कि उसे कुछ दिखाई देता है। ये असल में उस स्टोन तक पहुँचने का नक्शा था जो किसी ने जानबूझकर मिटा दिया था, क्या पता ऐसा निकोलस ने खुद, क्योंकि उसे यकीन था कि आने वाले समय में कोई ना कोई उसे ढूंढ ही लेगा। पर क्या वो सच में लोगों को अमर कर देता है? अगर ऐसा होता तो निकोलस कभी नहीं मरते। तो देखते हैं कि आगे आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। अब उस नक्शे की फोटो ले लेता है और बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जॉर्ज उसे समझने लगता है। तब जाकर उसे समझ आता है कि प्लामस स्टोन इराक में नहीं बल्कि पेरिस में ही है, और इस नक्शे में हेल गेट का जिक्र है, और कई लोगों का मानना है कि हेल गेट यानी कि नर्क का द्वार हमारी धरती के नीचे ही है, 700 फीट नीचे। तभी उसे याद आता है कि यहाँ तकरीबन 680 फीट नीचे किसी सुरंग की बात हो रही है, लेकिन वहां जाना नामुमकिन है। तभी स्कारलेट कहती है कि हम जहाँ पे खड़े हैं उसके नीचे हजारों सुरंगें हैं। रोमन एम्पायर के जमाने में तकरीबन 6 मिलियन लोगों की लाशें नीचे यहीं दफनाई गई थी, और वही है हेल्स गेट। कुछ समय के पहले पास ही एक शहर में भूकंप आया था जिसकी वजह से एक हिस्सा ढह गया, और उसी समय हमें इन लाशों के बारे में पता चला। अगर तुम चाहो तो हम वहां जाकर इस बारे में जानकारी निकाल सकते हैं।
लेकिन जॉर्ज मना कर देता है क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए वो एक टूरिस्ट बनके वहां जाती है और उस सुरंग के चारों ओर देखने लगती है, जहां पर हमें कंकालों का ढेर मिलता है जो रोमन एम्पायर के सैनिकों का था। वो यहाँ किसी जमाने में आए थे लेकिन न जाने किन्हीं वजहों से वो सब मारे गए। स्कारलेट को वहां पे निकोलस की कब्र से रिलेटेड भी कुछ चीजें मिलती हैं, जिसके साइड में एक डोर भी था, उसके ऊपर लिखा था कि ये कंकालों का घर है, यहाँ पे जाना अपनी मौत को दावत देना है। उसी के अंदर स्कारलेट देखती है कि एक रास्ता है जो दूसरी तरफ जा रहा है, शायद ये वही रास्ता है जो स्टोन तक पहुंचता है, लेकिन वो बंद था। तभी वहां बैठा एक लड़का उसे कहता है कि अगर तुम्हें वहां तक जाना है तो तुम्हें क्लब में जाकर पेपिलियन नाम के आदमी से मिलना होगा। अब वो इसके आगे कुछ और कह पाती कि तब तक वो गाइड वहां आ जाती है जो उसे चलने को कहती है, लेकिन जब दोबारा स्कारलेट उस लड़के को देखती है तो वहां से गायब हो चुका था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन बाहर आते ही वो जॉर्ज को कॉल लगाती है और उसके साथ उस क्लब में चलने को कहती है, जहां पर पहुंचने पर उन्हें एक अजीब सी लेडी भी दिखाई देती है जो बार बार उन्हें दिखी जा रही थी। खैर, अब ये लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां एक पेपिलियन नाम का आदमी मिल जाता है जिससे वो सारी कहानी सुनाते हैं, पर पेपिलियन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहां कई बार जा चुका हूं, मुझे वहां ऐसी कोई चीज नहीं मिली है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन स्कारलेट कहती है कि मुझे पूरा यकीन है वहां पर वो स्टोन और अरबों का खजाना मौजूद है, अगर हमें वो मिल गया तो उसमें से 50% तुम्हारा होगा। अब खजाने का नाम सुनकर वो फौरन हाँ कर देता है। अगले दिन हम पेपिलियन की टीम के साथ दो और लोग भी देखते हैं, जिसमें एक उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा और जेन थे, यानी कि अब टोटल 6 लोग हो गए जो उस गुफा में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज नीचे जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने पहले ही मना किया था कि अब वो यहाँ से वापस जाने लगता है। अब बचे हुए लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर पेपिलियन और उसके लोग पिछली बार गए थे। वो जाकर एक टनल में खत्म होता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं जिनकी वजह से जॉर्ज को भी इनके साथ ही अंदर जाना पड़ता है, लेकिन ये किसी तरह से पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से अंदर घुस जाते हैं। वेल, यहाँ पर उस केव की दीवारों पर पेपिलियन नाम को लिखा हुआ देखते हैं। ये पेपिलियन की पुरानी आदत है, जहां पर भी वो जाता है वो अपना नाम लिख देता है। वो आगे बढ़ते हैं जहां बेंजी को सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। वो स्कारलेट से पूछता है कि आखिर जॉर्ज की दिक्कत क्या है, वो हमारे साथ आना क्यों नहीं चाहता था। तो उसे बताती है कि कुछ सालों पहले एक ऐसी गुफा में उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था, तब से ही वो ऐसी जगहों पर आने से डरता है। इसी दौरान इन्हें एक दरार पे खड़े हुए कुछ अजीब और डरावने से लोग दिखते हैं जो किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। उसमें वो लेडी भी मौजूद थी जो जॉर्ज को क्लब में बार बार दिख रही थी, लेकिन पेपिलियन कहता है कि ये सब पागल है, ये सब यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है, ये क्यों यहाँ पर आए हैं, वो लेडी के पीछे का राज क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब सभी आगे बढ़ते हैं जहाँ पर स्कारलेट को एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, तो वो कहती है कि हमें वहां से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पेपिलियन मना करता है क्योंकि वहां लोगों के कंकाल पड़े थे और वो रास्ता बहुत ही छोटा था। वो दूसरे रास्ते से चलने को कहता है क्योंकि उसका दोस्त भी वहां गया था और कभी वापस नहीं आया। पेपिलियन जो रास्ता बताता है वो असल में हड्डियों के ऊपर से होकर गुजरता है और ऐसा करने में बेंजी बहुत डरता है। स्कारलेट भी मना करती है, लेकिन जॉर्ज उसे समझाता है और कहता है कि वो जो कह रहा है हमें वो करना चाहिए क्योंकि वो पहले कई बार यहाँ पर आ चुका है। अब सभी उसकी बात से सहमत होते हैं और फिर पेपिलियन के बताए हुए रास्ते से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन बेंजी कैमरे के साथ सबसे पीछे रहता है और वो वहीं अटक जाता है। उसका साइज बड़े होने के कारण वो ऊपर नहीं आ पा रहा था, जिसके वजह से उस जगह के सारे कंकाल नीचे गिर जाते हैं, पर वो सही सलामत था। अभी उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ सब देखते हैं कि असल में ये वहीं आ गए जहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी। तब पेपिलियन कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, मैं जब यहाँ आया था तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। वेल, अब उन्होंने मजबूरन उसी शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ता है जहाँ से पेपिलियन जाने से मना कर रहा था, पर इसी दौरान उन्हें उसी जगह पर पेपिलियन का नाम लिखा हुआ मिलता है। ये देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है क्योंकि आज से पहले इस जगह पर वो आया ही नहीं है, तो फिर ये नाम किसने लिख दिया। ये सारी चीजें देखकर वो सभी कंफ्यूज थे। तभी उन्हें एक फोन रिंग की आवाज आती है, तो जॉर्ज बताता है कि हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहाँ पर सालों पहले एक शहर हुआ करता था, लेकिन उस भूकंप के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन उसके बाद सभी फोन लाइंस निकाल ली गई, तो फिर ये फोन किसका है। वहां उन्हें एक और चीज मिलती है जो कि पियानो था, जिसे देखकर जॉर्ज बताता है कि मेरे छोटे भाई के पास भी ऐसा ही कुछ पियानो हुआ करता था, लेकिन उसमें कभी भी A8 की नहीं चलती थी, जिससे कि हम हमेशा परेशान रहते थे। तो उस पियानो में वही की को प्ले करता है, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी, और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि ये जगह कुछ शक्तियों के वश में है और वो इन्हें वही चीजें दिखा रही है जो ये देखना चाहते हैं। वेल, वो लोग और आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो फोन रिंग अभी भी कर रहा था, पर हैरानी की बात ये थी कि वो बस स्कारलेट को सुनाई दे रहा था, इसलिए वो उसके पीछे जाती है और उसे एक जगह पर वो फोन रखा हुआ मिलता है। जब वो उसे उठाती है तो एक आदमी कहता है कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, तुम क्यों नहीं आई। अब स्कारलेट दंग रह जाती है क्योंकि ये आवाज उसके डैड की थी, लेकिन वो तो मर चुके हैं। तभी दूसरी ओर हमें पता चलता है कि उन लोगों को एक दरार के पीछे एक शख्स मिलता है, ये वही था जो सालों पहले उस रास्ते से यहाँ पर आया था। बाहर के लोगों ने सोचा कि ये मर गया, लेकिन ये आदमी अभी भी जिंदा होता है। अब ये आदमी फ्रेंच में बोलता है कि तुम लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसका नाम मोल होता है, लेकिन मोल को देखकर सबसे ज्यादा पेपिलियन हैरान था
क्योंकि कोई आदमी इतने सालों तक बंद केव के नीचे कैसे जिंदा रह सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तभी मोल कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आयो। ये बोलकर वो जाने लगता है, पर सभी उसके पीछे भागते हैं। फिर एक जगह पर रुकते हैं और वो सभी से कहता है कि ये बाहर जाने का रास्ता है। पर ये बात जॉर्ज को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि अगर उसे बाहर निकलने का रास्ता पता था तो वो बाहर क्यों नहीं गया आज तक। वह अब सभी एक एक करके उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां एक कुआं मिलता है जो कि बहुत ही गहरा था, लेकिन उसमें कोई पानी नहीं था। अब सभी एक एक करके नीचे जाने लगते हैं। उसी में बेंजी को चोट भी लग जाती है, लेकिन ये जैसे तैसे नीचे पहुंच जाते हैं। इनका रास्ता और छोटा होता जा रहा था, तभी एक तेज आवाज आती है जिसे सभी हिल जाते। उसी दौरान कैमरे में एक छोटा बच्चा कैप्चर होता है। क्या ये जॉर्ज का छोटा भाई है या फिर कोई और, ये हमें नहीं पता। वो और अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ रास्ता खत्म हो चुका था। तभी स्कारलेट देखती है कि वहां पर इजिप्शियन में कुछ पिक्चर्स बनी है। उसे याद आता है कि फेरोज जो कि इजिप्शियन के किंग होते हैं, वो अपनी टॉम को कैसे छुपाते थे। तो बेसिकली यहाँ पर एक पहेली होती है इनके आगे का रास्ता बताएगी। उन्हें एक पत्थर दिखता है जो कि 7वें नंबर पर था, और जब उसे हटाते हैं तो उन्हें वहाँ एक गुफा मिलती है जिसके अंदर एक लाश पड़ी हुई थी, और ये उसी शख्स की लाश थी जिसने उस स्टोन को बनाया था, यानी कि निकोलस फ्लेमल। और यही वजह है कि वो लाश आज भी ऐसे पड़ी हुई है बिना सड़े हुए गले हुए, क्योंकि उसने उस स्टोन को इस्तेमाल किया था। अब वहाँ उन्हें उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है कि अगर आपको स्टोन तक पहुँचना है तो अंधेरे में रोशनी का पीछा करो। सभी अपनी लाइट बंद करते हैं और फिर उन्हें एक रोशनी मिलती है। वो उसे फॉलो करते हैं जो पानी के अंदर जा रही थी। जैसे ही वो उस पानी की दूसरी तरफ से बाहर आते हैं, उन्हें वो खजाना मिल जाता है जिसकी तलाश में वो यहाँ आए थे। सभी बहुत ही खुश थे, अब वो अमीर बन चुके थे, और सबसे अनमोल चीज़ वो स्टोन भी यहाँ मौजूद थी। और इन्हें उन दीवारों में वो प्लामस स्टोन भी गड़ा हुआ मिलता है जिसे स्कारलेट निकाल लेती है। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि हमें इतनी आसानी से ये स्टोन कैसे मिल गया, इसके पीछे जरूर कोई चाल हो सकती है। तभी पेपेलियन खुशी के मारे उस खजाने के दरवाजे को खोल देता है, और यहाँ वो कर देता है एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि ये एक ट्रैप था। वो गेट को तोड़ते ही उसके ऊपर की दीवारें ढह जाती है, और इसमें कई लोगों को चोट भी आती है। लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि मॉली उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो सच में एक वहम था। इन सभी का ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। वो कब का मर चुका है, पर वहीं दूसरी ओर पत्थर गिरने की वजह से इनके एक साथी के हाथ में चोट लग जाती है, तो स्कारलेट वहां उस स्टोन को घिस देती है जिससे कि वो ठीक हो जाती है। अब इससे ये तो साबित हो गया था कि वो पाल्मस स्टोन और निकोलस की सारी थ्योरी सच्ची थी। अब जब वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ चीजें लिखी हुई मिलती है, जैसे कि तुम्हें यहाँ आकर गलती कर दी, अब तुम्हें अंधेरे के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो इसका साफ मतलब था कि इनका सामना अब नर के दरवाजे से होगा। सभी एक छोटी सी सुरंग की मदद से आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अब इनके साथ ही वही चीजें सेम होने लगती है, लेकिन रिवर्स मोड में। जैसे कि इन्हें निकोलस की लाश की जगह एक बार फिर से मॉली दिखाई देता है। जब एक साथी उसके पास जाता है तो मॉली उसे बुरी तरह से मार डालता है और तुरंत वो गायब हो जाता है। स्कारलेट उस स्टोन को फिर से यूज करती है उसे जिंदा करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वो मर चुकी थी। मतलब मरे हुए लोग जिंदा नहीं हो सकते, सिर्फ जख्मी लोगों को स्टोन से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ इनके लिए और मुसीबतें बढ़ना शुरू हो जाती है। सभी को अब डर लगने लगा था। अब वो सभी अपने साथी की बॉडी को छोड़ देते हैं और फिर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मॉली उन्हें लेकर गया था, उस कुएं के पास। लेकिन वहां इस बारी बेंजी को क्लब वाली लड़की दिख जाती है जो उसे धक्का दे देती है, और वो सीधा ऊपर से नीचे गिरता है जिसमें उसकी जान चली जाती है। अब इनके साथ वही चीजें हो रही है जो इन्हें डरा सके, जैसे कि कुछ कंकालों के पीछे जॉर्ज को उसका छोटा भाई दिखता है। लेकिन स्कारलेट उसे समझाती है कि ये सच नहीं है, ये टनल में बहुत सी बुरी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर के डर को बाहर ला रही है जिसे हम घबरा जाए। तभी उन्हें किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो करीब जाते हैं तो उन्हें वहां एक जलती हुई कार दिखती है जिसके अंदर वही लड़का बैठा हुआ था जिसने स्कारलेट से कहा था कि जाकर तुम पेपेलियन से मिलो। लेकिन यहाँ पेपेलियन बार बार कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन तभी न जाने कैसे वो उस कार के करीब खींचने चला जाता है। अब सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वो कार के अंदर बैठा लड़का उसे खींच लेता है और कार गायब हो जाती है। तब उसके साथी देखते हैं कि वो जमीन के अंदर धंसा हुआ है। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो जमीन के अंदर जा चुका था। अब यहाँ बचे हैं सिर्फ 3 लोग। जेन कहता है कि हमें कैसी भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज आकर जॉर्ज के गले पर हमला कर देती है जिसे वो घायल हो जाता है। तब स्कारलेट स्टोन का इस्तेमाल करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, और तब उसे समझ आता है कि एक्चुअल में ये असली स्टोन है ही नहीं। इसलिए वापस उसी जगह पर जाती है, उस स्टोन को उसी जगह पर लगा देती है और सही स्टोन को ढूंढना शुरू करती है। तब उसे एक गोल्डन स्टोन चमकता हुआ दिखता है। वो उसके ऊपर से धूल को साफ करती है, लेकिन वहां उसे खुद का ही चेहरा दिखाई देता है, यानी कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो बस एक वहम था, एक छलावा था। ऐसी कोई फिजिकल स्टोन मौजूद नहीं है। सारी शक्तियां तो स्कारलेट के अंदर आ गई है क्योंकि उसने उस फेक स्टोन को इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी तक उसने जो भी पाप किया या फिर जो भी गिल्ट, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है।
इसलिए वो उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है और अब उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। अब वो वापस जाने लगती है लेकिन बीच में उसे अपने डैड की आत्मा दिखाई देती है जिन्हें वो गले से लगा लेती है और उनसे कहती है कि डैड मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन आपसे सही से बात नहीं करी, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। अब वो अपने साथियों के पास जाती है और सबसे पहले जॉर्ज को ठीक करती है, वो भी बस उसे छू कर, और वो फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद वो जॉर्ज और जिन से कहती है कि हमें अपने पापों की गलतियों का अपनाना होगा तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो जॉर्ज कहता है कि मैं अपने छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता हूँ। वहीं जिन कहता है कि मुझे एक बेटा हुआ है लेकिन मैंने उसे कभी अपनाया नहीं और यही मेरी गलती है। इसके बाद वो जाकर एक वेल में कूद जाते हैं और काफी देर तक बस गिरते रहते हैं, जहाँ से तीनों पेरिस शहर में वापस आ जाते हैं। कुछ समय के बाद हमें स्कारलेट दिखाई जाती है जो कहती है कि मुझे कभी भी स्टोन नहीं चाहिए था, मुझे बस इसके पीछे की सच्चाई जाननी थी। ऐसा कुछ भी होता है क्योंकि इसके लिए मेरे डैड ने खुद की जान दे दी। शायद यही वजह हो सकती है कि स्टोन की पावर और वो फेक स्टोन स्कारलेट को मिला, क्योंकि उसे कभी किसी चीज़ का लालच नहीं था, वो बस सच जानना चाहती थी। इस कहानी का नाम है एज अबव एज बिलो, मतलब जैसी दुनिया ऊपर है वैसी ही नीचे। एक्चुअल में जिस जगह पर ये लोग गए थे वो दूसरा डायमेंशन हो सकता है या फिर कोई नर्क हो सकता है जो इन्हें सच्चाई बता रहा था, और जब तक इन्होंने सच को अपनाया नहीं ये मरते रहे। वेल, आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई चीज हो सकती है जो इंसान को अमर बना सके? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।